नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट एम्सिक्यूज के बारे में फार्माकोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट एम्सिक्यूज़ है एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं

जो डायबिटीज़ कॉज करते हैं ऐसे एजेंट को डायबिटिक एजेंट और जो पार्किसन डिसीज कॉज करते हैं उनको पार्किंसन एजेंट कहते हैं और जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेनिक एजेंट कहते हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कार्सिनोजेनिक एजेंट देन नेक्स्ट एम सी नंबर टू ब्यूसल्फान बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ड्रग ब्यूसल्फान ये कौन से ड्रग क्लास से बिलोंग करता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शंस दिए गए हैं ए एंटीबायोटिक्स बी हारमोन सी एंटी मेटेबुलट्स डी अल्किल सल्फोनेट तो इनमें से ब्यू सल्फान जो है वो कौन से ड्रग क्लास से बिलोंग करता है तो ब्यू सल्फान जो है वो अल्किल सल्फोनेट वो अल्किल सल्फोनेट इस ड्रग क्लास से बिलोंग करता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अल्किल सल्फोनेट्स देन नेक्स्ट टाइम सी क्यू नंबर थ्री एग्जाम्पल ऑफ विनका अल्कोलॉड्स इज ऑप्शन दिए गए हैं उनमें उन से विका अल्कोलॉयड का एग्जाम्पल कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शंस देख लेते हैं ए मिटोमाइसिन बी एंड्रोजन सी विनब्लास्टिन डी रेडियो आयोडीन तो इनमें से विका अल्कोलॉयट का एग्जाम्पल कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है तो विनका अल्कोलॉड्स का यहाँ पर एग्जाम्पल है विन ब्लास्टिन विन ब्लास्टिन विन क्रिस्टीन ये विनका अल्कोलॉड्स के एग्जाम्पल्स है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विन ब्लास्टिन देन नेक्स्ट एम सी नंबर फोर एग्जाम्पल ऑफ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट इज तो ऑप्शन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें से फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन देख लेते हैं ए मीथोट्रेगेट बी रूबिडोमाइसिन C, B, Sulfan, D, none of तो इनमें से एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है तो ऑप्शन में से जो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है वो है मीथोट्रेगेट ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मीथोट्रेगेट दे नेक्स्ट टाइम सीखियो नंबर फाइव द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज सो एज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू इज कॉल्ड तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिज द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिज तो केमिकल कंपाउंड का यूज किया जा रहा है किस लिए इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन्फेक्शियस डिसीज के ट्रीटमेंट में केमिकल कंपाउंड का यूज किया जा रहा है ताकि टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू जो होस्ट टिश्यू है उसको डैमेज किए बिना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाए ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है उनको क्या कहा जाता है ऑप्शंस दिए गए हैं ए कीमोथेरेपी बी अगोनिस्ट सी एंटागोनिस्ट नन ऑफ दिस तो इनमें से जो केमिकल कंपाउंड होता है जो कि इन्फेक्शियस डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है पर होस्ट टिश्यू को डैमेज किए बिना तो इसको हम क्या कहते हैं कीमोथेरेपी तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कीमोथेरेपी देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर सिक्स द एजेंट्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड तो ऐसे एजेंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं उनको क्या कहा जाता है ऑप्शन दिए गए हैं ए बैक्टीरियसाइडल बी फंगिसाइडल सी बैक्टीरियोस्टैटिक डी फंगिस्टैटिक तो इनमें से ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रीवेंट करता है तो जो बैक्टीरिया को किल करता है उनको हम बैक्टीरिसाइडल कहते हैं और जो ग्रोथ को प्रीवेंट करता है उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक स्टैटिक कहते हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टेरियो स्टैटिक देन नेक्स्ट एम सी क्यू नंबर सेवन पी ए बी ए स्टैंड फॉर तो पाबा स्टैंड फॉर पाबा का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन दिए गए हैं

ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट वर्क करता है तो ऐसा ड्रग कौन सा है ये यह? यहां पर हमें पूछा गया है ऑप्शंस दिए गए हैं ए एमपिसिलिन बी मेटफॉर्मिन सी टेट्रासाइक्लिन डी नन ऑफ दिस तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है दोनों बैक्टीरिया को किल करता है तो ऐसा जो ड्रग है वो है एम्पीसीन तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पी देन नेक्स्ट एम सी नंबर नाइन ट्यूबर किलोसिस इज एन इन्फिकसियस डिसीज कॉज बाय ट्यूबर किलोसिस ये एक इन्फिक्शियस डिसीज़ होता है ट्यूबर किलोसिस ये एक इन्फिक्शियस डिसीज है जो कि कॉज होता है किसके थ्रू ऑप्शन दिए गए हैं ए माइको बैक्टेरियम ट्यूबर किलोसिस बी ई कोलाइसी माइको बैक्टेरियम डी नन ऑफ दिस तो इनमें से ट्यूबर किलोसिस ये इन्फिक्शियस डिसीज किसकी वजह से होता है तो ट्यूबर किलोसिस ये डिसीज माइको बैक्टेरियम ट्यूबर किलोसिस की वजह से होता है ये एक इन्फिकस डिसीज है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए माइको बैक्टेरियम ट्यूबर किलोसिसन नेक्स्ट एम सी क्यू नंबर टेन आई एन एच स्टैंड फॉर आई एन एच का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं ए आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड बी आइसोनिकोटिनिक एसिडिक हाइड्राजाइड सी आइसोनिकोटिनिक एसिटाइल हाइड्रेजाइड डी नन ऑफ दिस तो इनमें से आई एन एच का फुल फॉर्म क्या होता है तो आई एन एच का फुल फॉर्म है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड देन नेक्स्ट एनसीक्यू नंबर इलेवन पी ए एस स्टैंड फॉर पी एस का फुल फॉर्म क्या है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं ए पैरा अमिनो सैलिसलिक एसिटाइल बी पैरा अमिनो सैलिसिलिक एसिड सी पैरा अमिनो सैलिसिलिक एन हाइड्राइड डी नन ऑफ दिस तो पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड देन नेक्स्ट आंसर क्यू नंबर ट्वेल्व डैश इज अ डिसीज विच कॉज कैरेक्टरिस्टिक्स लेसन इन द स्किन एंड द पेरीफेरल नर्वस तो ऑप्शंस में हमें कुछ डिसीज कंडीशंस दिए गए हैं तो उनमें से एक ऐसा डिसीज है जो कि जहाँ पर क्या होता है हमारे स्किन पर और जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं उन पर लेसन आते हैं तो ऐसा डिसीज कौन सा है ये यह यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन देख लेते हैं ए लेप्रोसी बी कैंसर सी ट्यूबर ग्लॉसिस डी पार्किसन तो इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है जिसमें स्किन पे लेसंस आते हैं और साथ में पेरिफेरल नर्वस पे भी पेरिफेरल न्यूरॉन्स भी न्यूरोस आते हैं तो ऐसा जो डिसीज है वो है लेप्रोसी तो यहाँ पर आपका सही है, A, next, 13, कौन सा है जिसकी वजह से लेप्रोसी ये डिसीज होता है ऑप्शन दिए गए हैं ए माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री बी माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलाई सी माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रोसी डी नॉन ऑफ डिस तो ऑप्शन में से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से लेप्रोसी ये डिसीज होता है तो लेप्रोसी ये माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री की वजह से होता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री देन नेक्स्ट एम सी क्यू नंबर फोर्टीन डैश इज़ अ मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन लेप्रोसी ऑप्शंस में हमें कुछ मेडिसिन दिए गए हैं उनमें से लेप्रोसी में जो मेडिसिन है उनमें से एक जो ऐसी मेडिसिन है जो कि लेप्रोसी इस कंडीशन में यूज की जाती है ऑप्शंस देख लेते हैं ए मिथाइल डोपा बी लीवो डोपा सी डैपसोन डी ब्रोमोक्रिप्टिन तो इनमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि लेप्रोसी में यूज़ की जाती है तो जो डैपसोन है ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि लेप्रोसी में ज़्यादातर यूज़ की जाती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी डैपसोन देन नेक्स्ट टाइम सी क्यों नंबर फिफ्टीन पेनिसिलियम डैश इज सेलेक्टिवली इफेक्टिव फॉर स्किन नेल एंड हेयर डरमेटो फाइट इन्फेक्शंस तो पेनिसिलियम डैश इज सिलेक्टिवली इफेक्टिव मतलब हमें ऑप्शन में कुछ ड्रग्स दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा ड्रग है जो कि इफेक्टिव होता है किसके लिए स्किन नेल एंड हेयर डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस स्किन के इन्फेक्शंस के लिए नेल के इन्फेक्शंस के लिए हेयर के इन्फेक्शंस के, के, के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है तो ऐसा ड्रग कौन सा है ऑप्शन दिए गए हैं ए ग्रेसिओ फुलवम बी मिथिलडोपा सी डी नन ऑफ दिस तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि स्किन नेल और हेयर के के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है तो जो फुलवम नेल और हेयर के इन्फेक्शन के लिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीसेव फुलवम देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर सिक्सटीन डैश इज अ पॉलिन एंटीबायोटिक दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईस्ट तो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पॉलीइन एंटीबायोटिक है उनमें से एक पॉलीइन एंटीबायोटिक है जो कि ईस्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि ईस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है ऑप्शन दिए गए हैं एस्ट्रेप्टोमाइसिस बी बिस्ट्रेप्टोमाइसिस बेसिली सी लिग्नो के डी नन ऑफ दिस तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिन एंटीबायोटिक है जो कि ईस्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है तो जो स्टेप्टोमाइसिस नोडोस है ये एक तरीके का पॉलिन एंटीबायोटिक है जो कि ईस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है ईस्ट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप्टोमाइसिस नोडोस देन नेक्स्ट है एम नंबर सेवनटीन का फुल यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं का फुल फॉर्म क्या होता है राइबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी राइबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट एंसर क्यू नंबर एटीन डैश इज अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटिव इनफेक्शियस डिसीज produced बाय प्लाज्मोडियम protozoa which आर स्प्रेड by the anopheles mosquito mosquito फ्रॉम मैन टू मैन तो हमें ऑप्शन में कुछ डिसीज कंडीशन दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा डिसीज़ है जो कि इन्फेक्शियस है और जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोहा के द्वारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोहा के द्वारा ये जो डिसीज़ है ये जो इन्फिक्शियस डिसीज़ है ये प्रोड्यूस किया जाता है जो कि स्प्रेड होता है एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू ये जो डिसीज है ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है मॉस्किटो के थ्रू फ्रॉम मैन टू मैन एक मैन से दूसरे मैन में ये किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है मॉस्किटो के थ्रू तो ऐसा जो इन्फेक्शियस डिज़ है वो कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं ए मलेरिया बी फंगस सी डायरिया डी नन ऑफ दिस तो इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है जो कि इन्फेक्शियस है और साथ में जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजा के द्वारा और स्प्रेड होता है मॉस्किटो के थ्रू तो ऐसा जो डिसीज है वो है मलेरिया तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया देन नेक्स्ट आंसर क्यू नंबर नाइनटीन देयर आर डैश प्लाज्मोडियम स्पीसीज दैट हैव अ सिमिलर लाइफ साइकिल एंड आर हार्मफुल टू मैन तो प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीसीज होती है जो कि जिनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो सिमिलर होती है और वो मैन के लिए हार्मफुल होती है तो कितनी साइकिल्स होती हैं वो यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शंस दिए गए हैं ए यू बी थ्री सी फोर डी टू तो इनमें से कितनी स्पीसीज़ होती है प्लाज्मोडियम की जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो सिमिलर होती है और हार्मफुल होती है मैन के लिए तो प्लाज्मोडियम की चार ऐसी स्पीसीज होती है जिनकी लाइफ साइकिल सिमिलर होती है और वो हार्मफुल होते हैं यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी फोर ट्वेंटी है प्रोफाइल एक्सिस्ट का मीनिंग क्या होता है प्रोफाइल एग्जिस मतलब प्रिवेंशन तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन मतलब नंबर सी प्रिवेंशन देन नेक्स्ट एम सीक्यू नंबर ट्वेंटी वन डैश इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय जीनस प्रोटोजो तो ऑप्शंस में हमें कुछ डिसीज दिए गए हैं उन उनमें से एक ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि जीनस प्रोटोजोआ की, की वजह से होता है तो ऑप्शंस देख लेते हैं ए ट्रपेनोसोमियास बी बैक्टीरियोस्टैटिक इन्फेक्शन सी मलेरिया डी ट्यूबर की तो इनमें से कौन सा ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि जीनस प्रोटोजोआ की, की वजह से होता है तो ऐसा जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो है ट्रिपानोसोमियासिस तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रपानो सोमियासिस देन नेक्स्ट एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी टू डैश इज एन एक्यूट और क्रोनिक एंटामिबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोन इन्फेक्शन तो ऑप्शंस में हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं उनमें उन से कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जो कि क्या है एक एंटामिबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ का एक इन्फेक्शन होता है मतलब यहाँ पर जो अमीबा है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका ये एक प्रोटोजोआ है इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है तो ये एक्ट या फिर क्रोनिक हो सकती है ऐसी एक कंडीशन है तो वो कौन सा डिसीज है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं ए डायरिया बी ट्यूबरकोसिस सी अमीबिक डिसेंट्री डी नन ऑफ दिस तो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि एक तरीके की प्रोटोजोन इन्फेक्शन है तो ऐसी जो कंडीशन है वो है अमीबिक डिसेंट्री तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबिक डिसेंट्री देन नेक्स्ट आई सी नंबर ट्वेंटी थ्री डैश इज अ पोटेंट बायोजेनिक अमाइन ऑप्शंस में हमें कुछ ड्रग्स दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा ड्रग है जो कि पोटेंट बायोजेनिक अमाइन है तो वो कौन सा है वो देखते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं ए हिस्टामाइन बी नॉन एड्रेनालिन सी एसिटिल कोलिन डी नन ऑफ दिस तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि पोटेंट बायोजेनिक अमाइन है तो हिस्टामाइन ये एक पोटेंट बायोजेनिक अमाइन है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्टामाइन दे नेक्स्ट एंसर क्यों नंबर ट्वेंटी फोर डैश ड्रग्स हैव सिमिलर एट्रोपिन लाइक एंड सेडेटिव इफेक्ट तो ऑप्शन में हमें कुछ ड्रग्स दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा ड्रग है जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है एट्रोपिन की तरह मतलब की तरह ही है। और इफेक्ट है तो ऐसा ड्रग कौन सा है ये यह यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो की एट्रोपिन की तरह है और उसका सेडेटिव इफेक्ट है वो सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो ऐसा जो ड्रग है वो है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इथेनोलाइन नेक्स्ट है यहाँ पर हमें फुल फॉर्म पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं ए साइक्लो साइक्लिक ऑक्सीजन सी साइक्लो ऑक्सीजन डी साइक्लिक ऑक्सीजन कंपाउंड तो कॉक्स का फुल फॉर्म क्या होता है साइक्लो ऑक्सीजनिस तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए साइक्लो ऑक्सीजनिस तो इस तरीके से ये कुछ एम थे फार्माकोलॉजी के ऐसे ही और एम के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू